ही अब तू ही तब तू ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है, है इस पल में जियो, वक्त को जाने ना दो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो, तेरी शान की पहचान हो कुछ ऐसा। आदाब, चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका डीएससी शो में। आज मैं फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से, जो कि 306 वर्ष पुरानी संस्था है, इससे बोल रहा हूँ। आज का हमारा विषय है कि हाउ टू रिमेन पॉजिटिव इन लाइफ and how to kind of optimist, how do you maintain your optimism? So that is the subject we are going to discuss. Let's see what the team has put together. क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता एक अवसर है, जिसे हम ये वो एक मंत्र है जो हमें कभी ना रुकने की सीख देता है, फिर परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, व्यापार में नुकसान, खेल में हार, कोई काम पूरा ना होना या किसी परीक्षा में फेल हो जाना, ये हमारे जीवन का एक पहलू है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है अपनी विफलता को स्वीकार कर सफलता की ओर आगे बढ़ना। ये संभव है अगर हम सकारात्मक सोच रखें और आशावादी बने। हमारे जीवन का मकसद अगर खुश रहना है तो हम बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। आज हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस विषय को शुरुआत करने के लिए हमारे एक मेहमान हमारे बीच में हैं, बोस्टन से आए हैं, डॉक्टर चैतन्य हिरेमात। अब देखिए, इन्होंने पॉजिटिव रहने के लिए, ऑप्टिमिस्ट रहने के लिए क्या किया है। मैं उनका थंडर लेना नहीं चाहूँगा, वो ही खुद बताएंगे। डॉक्टर चैतन्य, प्लीज कम। आपने इतना बड़ा एक मुहिम छेड़ के रखी है, बताएंगे तो खैर आप ही, लेकिन आपको इसमें जो बाधाएं आई, जो प्रॉब्लम्स आई, सो हाउ डिड यू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स? पीपल मस्ट हैव टोल्ड यू, डॉक्टर फॉरगेट अबाउट इट, दिस इज नॉनसेंस आइडिया। हाउ डिड यू ओवरकम, हाउ डिड यू कीप योर पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म? आई हैव टेकन अ अंडरटेकिंग वेयर आई वांट टू यूनाइट नॉट ओनली द पीपल बट द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ, and I have designed a world flag about 5 years ago, and I would like to show the flag itself. Yeah. Very quickly, sir, I would like to explain the four features of this world flag. The light green background reminds us about the environment, and the second feature is this world has been there for billions of years, and we want it to be that way. So, and that's why it's represented in the form of a clock without the needles, so it's eternal. And the third feature is it's based on the scientific tree of life. So even a 7-year-old can recognize the symbols. It starts with 1 o'clock, bacteria and all the other living beings. And as you can see, at 9 o'clock, everything living in water. 10 o'clock is amphibians. 11 o'clock, the birds and all the mammals put together. It's at 12 o'clock. Thank you very much, doctor. Thank you very much. Thank you for being in the show. On the contrast, we have a gentleman who has a lot to complain about. It's again a viewer from the rural area. Mera naam Shyama Prasad Pandey, Gram Agastipur, Jila Chandauli, Uttar Pradesh. Jahan 9 kilometer ki area mein koi MBBS doctor nahi hai, sirf wahi doctor hai jinke paas koi degree nahi hai. Ab main bhrashtachar ke liye bol raha hu. Mere gaon mein एक सड़क है आने जाने के लिए, उसका निर्माण 2001 में हुआ, ईंट बिछा, और 2001 से लेकर के हर 3 साल बाद वो ईंट उखड़ता है और फिर लग जाता है। और आप जानकर के आश्चर्य होंगे कि 3 साल के अंदर 34 लाख रुपए का गमन हुआ है, और मैं प्रधानमंत्री जी से लेकर के
और डीएम साहब तक को लिखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और मेरे पास प्रमाण है। धन्यवाद धन्यवाद पांडे जी। तो देखिए जो लोग देख रहे हैं वो उन्होंने पांडे जी की बात सुनी होगी, शायद योगी जी भी सुन रहे हों, योगी जी इस पर कार्रवाई करें ऐसी मुझे आशा है। लेकिन आपने दो स्पेक्ट्रम देखे, एक तरफ ऑप्टिमिज्म, वो विश्व को एक सूत्र में पिरो के रखना चाहते हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने मुझे लिखा कि कामयाब भी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने एक देखा गांव की एक स्थिति। ऐसे कंट्रास्ट में कैसे पॉजिटिव रहा जाए और कैसे अपना एंथ्यूजियाज्म कहिए ऑप्टिमिज्म कहिए उसको मेंटेन किया जाए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप में से कोई कहना चाहेगा क्या कैसे किया जाए? सर एक डॉक्टर थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब उनका तो हाथ कट गया था, तो ऐसे में हमने बहुत जगह देखा है कि लोग हार मान जाते हैं, बोलते हैं मेरे साथ ये हो गया बुरा हो गया मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर आईएएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की और वो बहुत अच्छी रैंक लाए और आईएएस बन गए। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बुरे एक्सीडेंट से, जैसे लोग कहते हैं हर किसी से हर चीज़ से पॉजिटिविटी देखो, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि जो एक्सीडेंट हो गया उससे तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम जैसे माइंड में हमारे जो फोर्स आ रहा है, जैसे हम जानते हैं जो भी हम सोच रहे हैं उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, हम माइंड को डाइवर्ट ज़रूर कर सकते हैं, तो अगर हम ऐसा उसे मोटिवेशन लें और उसे इंस्पिरेशन में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद कुछ अचीव करें, तो जो डॉक्टर जिसने अपना हाथ खो दिया और वो लाखों लोगों की हेल्प कर रहा है, हुआ तो उसके साथ बुरा लेकिन जिनको हेल्प मिली वो कहें, उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे कि उनके साथ जो भी हुआ आज उनकी वजह से हमें ये सब मिल रहा है। बहुत अच्छी बात। एक मुझे एक कहानी याद आ गई, इन्होंने जो कहा डॉक्टर का हाथ कट गया ये सब हुआ, क्या एक बहुत बड़ा भगत, भगवान का भगत था, भगवान की मूर्ति पर रोज जाता था फूल चढ़ाता था। एक दिन भगवान प्रकट हुए, बेटा क्या चाहते हो? ये लाइफ में होता नहीं है वैसे, कहानी है ये हा? उसने कहा भगवान एक दिन के लिए मैं आपको आराम देना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखो स्टैचू बने खड़े रहते हो सुबह से शाम तक, ऐसा आपका हाथ है हिला भी नहीं सकते, तो एक दिन मैं आपकी जगह खड़ा होना चाहता हूँ ताकि एक दिन आप आराम कर लो और मुझे भी कुछ तजुर्बा मिले। तो बोले ठीक है भैया खड़े हो जाओ, लेकिन बोलना मत बिल्कुल, पूरे दिन बोलना नहीं, कुछ हाथ पांव हिलाना नहीं, स्टैचू की तरह खड़े रहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भगवान। तो खड़े हो गए, तो एक सेठ जी आए, उन्होंने वहां पे कहा कि भगवान मैं एक नया बिजनेस आज शुरू कर रहा हूं, तो मेरा ख्याल रखना, मेरे बिजनेस को बहुत फ्लरिश करना, ये प्रार्थना की, प्रसाद चढ़ाया, चल दिए। गलती से उनका बटुआ वहां गिर गया। अब ये जो साधु था, ये जो सेवक था, उसका मन करे कि मैं उसको बता दूं, अरे तेरा बटुआ रह गया, लेकिन भगवान ने बोला बोलना नहीं, नहीं बोला। तो दूसरी देर में गरीब आया, बोला भगवान तीन दिन से बच्चे भूखे हैं, कुछ इलाज करो भगवान। और जैसे उसने हाथ जोड़ा तो निगाह चलेगी बटुए पर, बटुआ उठाया, बोला भगवान तेरा बड़ा शुक्रिया। कहा भगवान ने मेरी सुन ली, वो बटुआ लेके चल दिया बेचारा। और तीसरी देर में एक सीमैन आया, जो जहाज चलाते हैं, कैप्टन ऑफ शिप, कि मैं 15 दिन की एक बड़ी जर्नी पे जा रहा हूँ, कहीं तूफान उफान से बचाना, कहीं मेरा एक्सीडेंट कहीं समुद्र में डुबो ना देना। तो ये प्रार्थना करके जैसे जा रहा था, उतनी देर में वो सेठ जी आ गए अपना बटुआ ढूंढते हुए पुलिस को लेकर के। उन्होंने उस नाविक को जो सेलर था उसको पकड़ लिया। अब इस सेवक से ये तो कैसे सहा जाए कि किसी और गलत आदमी से अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं 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 इसने नहीं किया, बोला वो गरीब आदमी था उसने बटुआ तुम्हारा लिया है, गड़बड़ कर दी। तो उन्होंने उस नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया पुलिस ने।
तो भगवान ने कहा, क्या किया मूर्ख तूने, मैंने सबका डिजाइन किया हुआ था कि उसका बटुआ गिरना था, उस बेचारे की रोटी चलती दो दिन चार दिन, तूने उसको पकड़वा दिया। और ये जो आदमी नाविक आया था, इसका तूफान में एक्सीडेंट होना बच जाता अगर ये जेल चला जाता तो, मैंने वैसा भी डिजाइन किया था। अब वो उसका एक्सीडेंट हो गया, होएगा, उसकी बीवी विधवा होगी। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर पॉजिटिव रूप में देखो तो सब कुछ पॉजिटिव हो सकता है, और हम लोग हैं जो सब चीजों को गोल्ड गोबर कर देते हैं नेगेटिव सोच के। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वट एवर यू थिंक दैट यू विल बी, इफ यू थिंक योर सेल्फ ए वीक, वीक यू विल बी, इफ यू थिंक योर सेल्फ स्ट्रोंग, यू विल बी। ये एक सच्चाई है जिंदगी की। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस बात को एक्सपेरिमेंट किया है। जी, क्या एक्सपेरिमेंट किया बताइए। इफ वी आर थिंकिंग दैट वी आर स्ट्रोंग, देन वी आर स्ट्रोंग एनफ टू यू नो कम ओवर ऑल द ऑब्स्टेकल्स, बट इफ वी आर थिंकिंग वी आर वीक और वीकर एनफ, वी आर नॉट एबल टू यू नो कम ओवर दैट ऑब्स्टेकल। सो इट्स टोटली अबाउट माइंडसेट। गुड, इट्स अ माइंडसेट। सर, अगर हम अपने पास से सीखें और अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो इस वजह से हम थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं। सर, इसी वजह से आज को शायद प्रेजेंट बोलते हैं कि वो गिफ्ट है हमारे लिए, कि हम उसको अगर ध्यान देंगे तो हम उसको और बेहतर कर देंगे। वेरी गुड, लिव इन द प्रेजेंट। ये मेरा अक्सर काफ़ी चीज़ों का इलाज है। ये कहावत है कि भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। यही है, ये जिंदगी का कसार है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच। यू डोंट नो हाउ डिड यू हेल्प मी 12th बोर्ड एग्जाम्स। सर, ये पॉजिटिव रहने का मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। मेरे मॉक टेस्ट एंड फर्स्ट टर्म के एग्जाम चल रहे थे। आई जस्ट गॉट 40% and 50% मार्क्स इन माई फर्स्ट टर्म, 60% मार्क्स इन मॉक टेस्ट, एंड एवरी वन वॉज सेइंग तू कॉलेज नहीं जा पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। टीचर्स कह रहे थे, पेरेंट्स कह रहे थे, क्या करेगा क्या करेगा, कुछ सोच सोच कुछ सोच। और फिर मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पे देखी और मैंने आपको सुना कि एक्सेप्ट द रियलिटी देन यू विल नॉट हैव एनी रिग्रेट। मैंने उस बात को माना एंड आई गॉट 70% मार्क्स इन प्री बोर्ड्स एंड 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, एंड नाउ आई एम हियर। कुछ प्रसाद लाए हो कि नहीं? सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हम सबके रोल मॉडल, आप हमारे इंस्पिरेशन हैं, तो सर आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम आती थी तो आप कैसे ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रह के अपने प्रॉब्लम्स को फेस करते? लुक अपॉर्चुनिटी इन द प्रॉब्लम, ऑलवेज सिंपल। एवरी सिंगल प्रॉब्लम इन लाइफ विल ब्रिंग यू अनदर अपॉर्चुनिटी ऑफ वन काइंड और द अदर। उसको घबराए भी ना। जैसे उस लड़के को उसने देखा ना, मैं ये कहता हूँ अक्सर, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ भी होता है, तो हम उसको स्वीकार नहीं करते कि हमारे साथ बुरा हुआ। हम कहते क्यों, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा। यानी हजार सवाल हम करने लगते हैं, और उस जो चीज़ सच्चाई हो चुकी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। द मोमेंट यू एक्सेप्ट कि दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि आज के दिन मेरे साथ ये हो गया, मैं क्लास में फेल हो गया, एग्जाम में फेल हो गया, एक्सेप्ट कर लो रियलिटी। एक्सेप्ट जहां कर लिया, आप आगे की सोचने लगोगे कि मुझे अब आगे बढ़ना, कोई बात नहीं, फेल हो गया तो कोई बात नहीं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि एडवर्सिटीज जब होती हैं, जब हम थोड़ा डिप्रेस्ड होते हैं, नेगेटिविटीज आती हैं, उस वक्त अगर हमें अपने से ज़्यादा परेशान लोगों की तरफ, अपने से ज़्यादा डिप्राइव्ड लोगों की तरफ अगर हम देखें, तो हमें बहुत फिर एक मोटिवेशन मिलता है और फिर हम जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। माइंडसेट होता है, लेकिन अगर हम देख लें कि हमारे पास ये फैसिलिटी है, इवन हमारे पास सारे अंग हैं, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। आपको अपनी छोटी छोटी परेशानियां, मेरे ख्याल से वो हम पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप दूसरे का, लेकिन साथ में आप दूसरे का सहारा लेती हैं। जब आप किसी डिप्राइव्ड को देखते हैं, फिर कहते हैं यार चलो मैं तो फिर भी अच्छा हूँ, तो ये होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में हमको अगर एडवर्सिटीज़ में पॉजिटिव सोचना है, तो ये तो बात एक रही कि आप किसी डिप्राइव्ड को देख लीजिए,
लेकिन एडवर्सिटीज में अपने आप को पॉजिटिव रखना, इट्स ए कंडीशन ऑफ योर माइंड विच वी नीड टू ट्रेन आवर माइंड अट्यून टू, सो दैट इट शुड नॉट गो इनटू नेगेटिव जोन. और उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी घुट्टी नहीं है कि मैं आपको पिला सकूं और आपको कल से पॉजिटिव रहने लगे. ये आपको डे टू डे रूप में आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप माइंड को सजग रह के, अलर्ट रह करके आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा हर समय. जहाँ जब आपका माइंड नेगेटिविटी में चला जाए उसको कैसे पॉजिटिविटी में लाया जाए, किस प्रकार से उसको और उस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकेंगे जिससे कि धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी. आदत जो बनाना है वो कोई एक दिन में आदत नहीं बनती है, समय लगता है अपनी आदत को बदलने में, अपने स्वभाव को बदलने में. उसके लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है. एक ज़रा एक किसान की कहानी से समझ में आता है जो मैंने आज सुबह ही पढ़ी, सोचा आपके साथ शेयर करूँगा. एक किसान बड़ी मेहनत करता हुआ बुज़ुर्ग किसान एक दिन सुबह अपने घोड़े को संभाल नहीं पाया, घोड़ा चंचल था, वो घोड़ा छुड़ा करके भाग गया घर से. पड़ोसी अड़ोसी उसके पास अफसोस मनाने आए कि तेरा एक ही घोड़ा था वो भाग गया. उन्होंने कहा भाई हो सकता है इसमें भी कुछ भलाई होगी. अरे किसान को वो कहता कैसे बाबा, तुम क्या इसमें भलाई क्या होगी, तेरा घोड़ा गुम हो गया, एक ही घोड़ा था. अगले दिन सुबह उठा तो वो घोड़ा तीन और घोड़ों को लेकर के वापिस आ गया घर पे. तो उसको वो बधाई देने आया, उसने कहा बधाई उधाई मैं नहीं लेता, इसमें भी कुछ छुपा होगा. और उसमें क्या हुआ कि उसका जो किसान का बेटा था वो एक चंचल इन चार तीन घोड़े जो उसके साथ आए थे उस पर एक पर चढ़ा और दौड़ने लगा तो गिरा दिया घोड़े ने, उसकी टांग टूट गई. बुरा हुआ, आप लोग हम सब देखेंगे तो बेटे का टांग टूट गई ज़रूर परेशान होंगे. अड़ोसी पड़ोसी ने फिर कहा उसको कि तेरे बेटे की टांग टूट गई, बोला इसमें भी कुछ भलाई होगी. अगले दिन उस गांव में नक्सलाइट घुसा है और जितने जवान लोग थे और अट्टे गट्टे थे सबको पकड़ के ले गए कि तुम भी जरा हमारे साथ नक्सली बनो. उसने इस लड़के को छोड़ दिया क्योंकि टांग टूटी हुई थी. इसमें भी कोई भलाई हुई, पॉजिटिव है, सोचने की बात है. उसने अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखा हुआ था तो इसलिए वो वैसे सोचता था. तो चलिए अभी आज हमारे बीच में एक शख्सियत है जो जिनको हम चेंज मेकर कहते हैं, अलग नटराजन जी. आप देखिए क्या कहते हैं कि ये रोज सुबह उठकर के 60 जगह 60 मटके पानी के भर के रखते हैं दिल्ली के पूरे इलाके में. आइए आपसे मैं मिलाता हूँ, आगे सुनेंगे. जीवन का कोई एक पहलू नहीं होता, हम इसे कई रूप में देखते और अपनाते हैं. दिल्ली के पंचशील पार्क में रहने वाले 68 वर्षीय अलग नटराजन भी जीवन के कई पहलुओं से गुजरे. लंदन में 32 साल तक बतौर इंजीनियर काम करने के बाद आप साल 2005 में भारत वापस लौटे. ये वो वक्त था जब आप कोलन कैंसर की बीमारी से बाहर आए थे. कैंसर के बाद मुझे बहुत इमोशनल डिफिकल्टी था, वो भी ओवरकम किया. अभी पूरा सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, सभी सबको ओवरकम करने के लिए. तो मैं हारने का आदमी नहीं हूँ, मुझे नो मेरा डिक्शनरी में नहीं है. प्यासे राहगीरों और मजदूरों की प्यास बुझाने के लिए आपने एक खास तरह की वैन तैयार की और दक्षिण दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 60 पानी के मटके लगाए. मटका मैन के नाम से मशहूर अलग नटराजन आज प्यासे राहगीरों और मजदूरों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है. उनके लिए बहुत धन्यवाद कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया स्वभाव वाला काम कर रहे हैं, पुण्य वाला काम कर रहे हैं. और सभी को करने की कोशिश करनी चाहिए जिनको जिनके लायक है. आपके इस अनोखे तरीके को देखकर आज कई लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं. आप कहते हैं कि बदलाव लाने के लिए संकल्प जरूरी है, क्योंकि संकल्प ही है
जो आपको कुछ पाने के लिए आगे बढ़ने की ताकत और हौसला देता है। वेरी गुड। देखिए, इस प्रकार से चलता है ये समाज, ये देश। मैं कहता हूं कि बहुत से लोग जो नेगेटिव जब सोचते हैं तो नटराजन जी जैसे आदमी को देख करके वो पॉजिटिविटी में बदलना स्वाभाविक है। अपनी सोच को, इस देश को कोई डुबा या खराब नहीं कर सकता जिस देश में ऐसे लोग हों। तो आपको कैसे, जब कोलोन कैंसर आपको हुआ तो डॉक्टर्स ने, व्हेनेवर यू आर डायग्नोस्ड विद कैंसर और व्हेन आई वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर, द फर्स्ट थिंग यू सी इज डेथ इन फ्रंट ऑफ यू। डेथ इन फ्रंट ऑफ यू, यस। सो दैट फियर आई हैड फॉर 2-3 डेज। सो आफ्टर 3 डेज और 3 डेज और 5 डेज, आई फॉरगेट इट, आफ्टर स्ट्रगलिंग विद द आइडिया दैट आई माइट डाई, आई डिसाइडेड टू, द फर्स्ट स्टेज आई टुक वॉज I sent letters to all my enemies or people whom I hurt through my life, and that was my first stage, including my wife who's here, because in life you also offend your wife, especially men do that, you know. So that was my first stage of overcoming it, and for me life throughout has been sincerity. And even now, whatever I do, I try to do it in sincerity. For me, there's no positive and negative, which possibly is true in very good. Yeah. So, whenever I'm struggling with anything, I always question, am I sincere? Because it's not easy to be sincere. People struggle with sincerity, and I'm still struggling with sincerity. And we all tend to become insincere, and that is very negative. Insincerity is very negative. So for me, all the work I do today is based on sincerity. So Natarajan, when you say there is nothing good or bad, it's what we make out of it. Yeah. We make things good or bad. Yeah. Mm-hmm. So how do you keep yourself in that mind frame, or in positivity, or which you call sincerity? We all get trapped in egos. You know, even social work is an ego. If you, everything. If you don't keep it in check, yeah, then it is ego. But it's. But I don't think you have allowed your ego to come. It comes occasionally. It comes occasionally. Yeah. See, that's very good. Yeah. It's a good confession. Yeah. Not many people accept that. Actually, in one of the shows, there was a question. Students asked me, how do we manage our time? So I didn't know the answer actually, because I was very bad in time management myself. So I thought, and then I see, when you are standing here at this stage, as a teacher, you can say, when I am speaking to people, talking, giving answer, nature also helps. It also gives you ideas while you are in, isko vyaspeeth bolta hu main. व्यासपीठ, जो जहाँ बैठ के आप बताते हैं, कुछ मोटिवेट करते हैं, तो मेरे मुंह से निकला कि थिंक एज इफ इट इज यू हैव ओनली 24 आवर्स टू लिव, देन विल यू मैनेज योर टाइम वेल और नॉट? देन पीपल स्टार्टेड सेइंग यस, वी विल मैनेज अवर टाइम वेल। समबडी सेड आई विल, मैंने कहा व्हाट वुड यू डू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू माय मदर एंड फादर and cry on their shoulder that I never treated them well, my parents. Pehle jaake unse maafi mangunga. Somebody said other things. So what I am saying is that wasteful time, what we all do, we will stop doing all those things. So what would you say to my viewers sitting home who are watching this show? Sincerity, sincerity, sincerity. Very good, very good. बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एट द शो। सो यू कैन सी हिज मंत्रा इज सिंसियरिटी, एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू हैप्पी एंड प्रोबेबली सक्सेसफुल एज वेल इन लाइफ। सो कमिंग बैक ऑन टू द सब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिविटी एंड एंथ्यूजियाज्म एंड ऑप्टिमिज्म, डू यू गेट सम इंस्पिरेशंस फ्रॉम पीपल लाइक मिस्टर नटराजन?
And what thought comes to your mind when you meet people like him? Actually, Vivekananda ne ek bola hai, jibe prem kore jejon sejon sebiche ishwar, means jib ko jo prem karte usko ishwar milte hai. To mere man mein ye question tha actually ke kaun se jib ko main seva karu, ki koi koi jib to bahut harkat aise karte hai ki seva ke layak nahi. To mujhe ye apne aap se prem kariye. तो वेरी रेस्पेक्टेड डॉक्टर अभी मुझे जो मैसेज दिया उनसे मुझे ये क्वेश्चन का आंसर मिला कि वो जो पानी छोड़ते हैं तो ये नहीं सोचते कि किसके सेवा के लिए सोचते हैं, जिसको ज़रूरत है उनको ही मिलते हैं. तो मेरे हिसाब से अभी ये लग रहा है कि जिसको ज़रूरत है उनको ही सेवा करनी चाहिए. अब बाकी आप समझाइए. वेरी गुड, बहुत अच्छा. थैंक यू सर. जिस तरह पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव होता है, डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई होता है, उसी तरह सर हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको, उसको भी पॉजिटिव करने के लिए हमारा मन होता है. और उस मन को पुशअप करने के लिए हमें चाहिए सिर्फ एक संकल्प लेना चाहिए, और उसमें ये लेना चाहिए कि चाहे कोई भी मोड़ आए, किसी भी तरह की समस्या हो, हमें उसमें कमियां ना ढूंढ के हमें उसमें हमेशा पॉजिटिविटी देखनी चाहिए. उसमें ये देखना चाहिए हमें कि हम किस तरह से बेटर इसमें और परफॉर्मेंस कर सकते हैं. बस ये कहना चाहते हैं. Now we have with us another person who is a big motivator, Dr. Sonali Kataria. She started her career as a junior resident doctor at the ESI hospital, and she faced something challenging in her life when her own child was diagnosed as a autistic. And let's see her life, how did she not only manage that, but also she created a Sunrise Learning Foundation, and in which now she's, God knows how many children she is making their life better. Please come, Dr. Sonali Kataria. So would you like to tell us something more about yourself? How did you get on to this? It was only your own child that shook you. It was a very long neuroscience journey that I had as a doctor. I was at the peak of my medical career. I had a lot of research projects in my hand when I changed the course of my life. क्या हुआ था? मैं अपनी करियर के पीक पे थी एक तरह से, जब और मेरी जो पूरी पढ़ाई थी मेडिकल की वो सारी की सारी, जैसे सर ने अभी बोला, डेस्टिन्ड होता है, गॉड हैज़ अ प्लान. तो मेरे लिए वो प्लान था कि मेरी सारी पढ़ाई ह्यूमन ब्रेन पे ही थी, सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स ह्यूमन ब्रेन पे ही बेस्ड थे, और उस पढ़ाई के मैं बहुत आगे जा चुकी थी जब मेरे अपने बेटे को ऑटिज़म डायग्नोज हुआ. ऑटिज़म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, जिसमें बच्चे की ब्रेन की वायरिंग अलग तरह से होती है. वो अलग तरह से सीखता है, अलग तरह से समझता है, वो हमसे बहुत अलग होता है. बहुत सारे लोग उसको मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पागल है, बदतमीज़ है, अच्छे से पेरेंटिंग नहीं हुई है के लेबल्स दिए जाते हैं ऑटिस्टिक बच्चों को जब उनकी डायग्नोसिस नहीं होती है. तो जब वो डायग्नोसिस मुझे मिली तब मेरी ज़िंदगी का कोर्स चेंज हुआ. एंड तब मुझे ये समझ आया कि मेरी अभी तक की एजुकेशन सारी ऑटिज्म के फील्ड में क्यों थी. उससे पहले देन इट वाज लाइक अ गिफ्ट रादर दैन अ चैलेंज. इट वाज लाइक अ गिफ्ट. एंड इससे पहले कि मैं बोलती व्हाई मी, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे गॉड ने खुद ही आंसर दे दिया, ऐसा तुम्हारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि तुमको इतने सालों की पढ़ाई एजुकेशन इसीलिए मिली जिससे कि तुम इसी की नहीं बल्कि और भी बहुत बच्चों की हेल्प कर पाओ. उसके बाद थैंकफुली मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं और बहुत अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्पावर किया कि मैं ना कि सिर्फ अपने बल्कि अपने और बहुत सारे बच्चों की भी हेल्प कर पाऊँ. सो दैट इज़ अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी इन द फॉर्म ऑफ माई फैमिली, जिनकी वजह से वो पॉजिटिविटी इनकलकेट हुई. बट मोर देन दैट, थैंक यू. तो ये बताइए डॉक्टर, अभी आप कितने बच्चों को आपकी फाउंडेशन के जरिए से आप यू आर टेकिंग? 22 एट प्रेजेंट, 22 चिल्ड्रन, बट वो आते हैं जाते हैं. सो ओवरऑल वी हैव हेल्प्ड इन द लास्ट 3 इयर्स ऑलमोस्ट 56 चिल्ड्रन हु हैव बीन विद अस, जिनकी ना कि हम सिर्फ बच्चों को
ट्रेन करते हैं बल्कि उनकी मदर्स को सबसे ज़्यादा एम्पावर करते हैं, जिससे कि वो सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि क्या चैलेंजेस हैं, समझ पाएं कि चैलेंज क्या है, और दूसरा बच्चों को कैसे अब इस चैलेंज के साथ दुनिया में जीना सिखाना है वो सीखें, ना कि ट्रीटमेंट के पीछे भागें। अभी ऑटिज़म का कोई ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है, उसका कोई कॉज या क्योर नहीं मिल पाया है, इसलिए अगर मेरी आंखें कमज़ोर हैं तो मैं या तो उसके ट्रीटमेंट के पीछे भागती रहूँगी, इसको ठीक कर दो, या फिर एक चश्मा लगा लूँगी जिससे कि अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ, अब मैं आई एम फीलिंग एम्पावर्ड, आई एम फीलिंग एट पार विद द वर्ल्ड। सो वो जो टूल है जैसा कि एक चश्मा है, वो स्किल्स सिखाना, वो हम मदर्स को और बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं जिससे कि दे कैन कम एट पार विद द वर्ल्ड और अपने चैलेंजेस के साथ वो जी पाए विद डिग्निटी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। लेकिन डॉक्टर, मैंने ये कहीं पढ़ा था कि हमारे देश में 1000 बच्चे जब पैदा होते हैं, 1000 बच्चों में से लगभग 3 या 4 बच्चे प्रोटेजी चिल्ड्रन पैदा होते हैं, लेकिन जब तक वो पढ़ते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है, लेकिन माँ बाप टीचर्स उनको पहचान नहीं पाते और अल्टीमेटली वो बच्चे सोसाइटी में बर्डन बन के रह जाते हैं। ऐसा होता है क्या? जी जी, ऐसा होता है। जैसा कि ऑटिज़म के बारे में अभी मैंने कहा, उनको ऑटिस्टिक सवांट्स कहते हैं, उनकी बहुत कम होती है पॉपुलेशन, लेकिन होती है, पर वो पहचान में नहीं आ पाते। जैसा सर ने बोला, उनकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर माता पिता को उनकी स्ट्रेंथ बता दी जाए, आपका बच्चा कीबोर्ड पे बहुत अच्छा टाइप कर लेता है, बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, वो लिख सकता है, वो टाइप कर सकता है। हाँ। इतनी बड़ी शक्ति उनके माँ बाप को जब हम बताते हैं तो वो ना ही उनके उनके पास एक एक्सेप्टेंस और एक पावर आती है, बल्कि खुशी, वो जो खुशी होती है उनके मन की कि अब मेरा बच्चा इस फील्ड में जाएगा, इस फील्ड में कुछ कर सकता है, दैट इज़ सो एम्पावरिंग। सो वो सिर्फ ऑटिज्म में ही नहीं होता, बहुत सारी और कंडीशंस में भी होता है, जो उनकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना। सिर्फ सवांट्स नहीं, जनरली हर इंसान में, आप में, मुझ में, कहीं ना कहीं कितनी सारी स्ट्रेंथ्स होंगी जो हम जो हमें खुद को नहीं पता होता, जो हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं दिखा पाते, अपने आप को वो पहचान नहीं दे पाते कि मैं ये काम बहुत अच्छा करता हूँ, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हमें मौका नहीं मिला, या फिर हम अपने चैलेंजेस डिफिकल्टीज में खो गए, हम अपने फेलियर्स में खो गए, हमने अपना ड्रीम, अपना सपना, अपना गोल अपने सामने नहीं रखा। सो वी नीड टू गिव आवर 100% द प्रेजेंट मोमेंट, वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, जस्ट गिव योर 100%, और जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी, वो एक सीढ़ी है, बस उनको एक सीढ़ी की तरह आप लेते जाइए और अपने गोल की तरफ, ड्रीम की तरफ चलते जाइए। डोंट लूज विजन ऑफ योर ड्रीम, जो आपका ड्रीम है वो आपको दिखता रहना चाहिए, चारों तरफ कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितने भी चैलेंजेस हों, वो सिर्फ एक सीढ़ी है, वो आपको आपके ड्रीम की तरफ ही ले जा रहे हैं, वो आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस ही दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य में इतनी ताकत है, जितना कुछ सोचो सब कुछ कर सकते हो, आपकी कोई सीमाएं नहीं हैं, लेकिन सीमा हम बांध लेते हैं, अपनी सीमा बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे समाज में पैदा हुए हैं हम, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब बच्चा गुढ़ारियाँ चलने लगता है तब से माँ कहती है कि पानी के पास मत जाना, आग के पास मत जाना, जब तक 8-10 साल का बच्चा होता है तब तक रिस्क लेने की सारी कैपेसिटी हम ख़त्म कर देते हैं। तो खैर, अभी बताइए, आप में से कोई डॉक्टर साहब से कुछ बात पूछना चाहे, एनी क्वेश्चन यू हैव फ्रॉम हर? सो मैम, ये जो आप बता रहे थे कि आपके लिए क्या इतना बड़ा ये चैलेंज जो था, तो आपने ये सोचा था कि आपको इसे और आगे बढ़ाना है या फिर एक सीमा तक इसे रोक के रखना है? किस चीज़ को, सॉरी? ये जो इंटरनेशनल लेवल, आप इसे और आगे बढ़ाना चाहेंगे या फिर एक लेवल में ही बांध के रखना चाहेंगे? Why not? नहीं, वो तो आगे। Why not? I have a big beautiful dream. मैं चाहती हूँ ये बच्चे ना ही सिर्फ सीखें बल्कि और लर्न करें और अर्न करें। हम इनके लिए ऐसा सेटअप बनाना चाहते हैं जिसमें ये खुद इंडिपेंडेंटली विद डिग्निटी अपनी लाइफ जिए, अपना लाइवलीहुड खुद बनाए। एंड आई वॉन्ट टू टेक इट रियली बियॉन्ड, इवन बियॉन्ड माई ओन ड्रीम। We seek out support, we seek out acceptance. हम पूरी दुनिया के सामने मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग अगर किसी
ऑटिस्टिक इंसान को जानते हैं या किसी ऐसी संस्था को जानते हैं जो इनके लिए काम करती है, आगे बढ़िए और सपोर्ट कीजिए. सपोर्ट कीजिए, इनको सपोर्ट की डेफिनेटली बहुत जरूरत है. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो. तो अगर आज की बात को अगर हम समाप्त करें तो मैं चार बातें कहूंगा आपको. यू कैन बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स ओनली इफ यू आर वेरी अटेंटिव व्हाट्स हैपनिंग विद इन योर बॉडी. यू स्टार्ट बीइंग अवेयर ऑफ योर सेल्फ. दैट इज द वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट. एंड इट विल नॉट कम ओवरनाइट. You will have to start working on it. It is a practice which you have to continuously do. Or if some people can meditate, you can learn that much faster. There is nothing either good or bad, but our thinking makes them good or bad. Your thoughts did not become your behavior, and your behavior did not become your habit in one day. So start working on it. They are never late. That's the message I am giving you. We need to constantly correct our thoughts. Then only slowly you will develop the positive thinking. With that, thank you very much. Khuda Hafiz. Shab Akhair. Thank you very much. All the best. Thank you. डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये भाग घेण्यासाठी dsc@zmedia.slgroup.com वर मेल करा किंवा आम्हाला SMS करा DSC स्पेस आपला प्रश्न आणि पाठवा 57575 वर. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.